आप लोग यदि आम के शौकीन हैं तो गर्मियों में इस आम की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये रेसिपी इतनी खाने में लाजवाब लगती है। अगर आपने ये रेसिपी नहीं खाई तो आप सारी गर्मी पछताते रह जाएंगे क्योंकि आपने ये रेसिपी क्यों नहीं बनाई। ये इतनी टेस्टी लगती है और अगर ठंडी ठंडी आप इसको किसी भी मेहमान को देंगे तो ये रेसिपी आपको दोबारा बनानी पड़ेगी क्योंकि ये रेसिपी खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। खाने के बाद जब भी आपका कोई मीठा खाने का मन करे तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इस समय सबके घर में आम आते हैं तो ये रेसिपी बनना तो जरूरी है। तो इससे पहले स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिजी मॉम लर्निंग सेंटर में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे ये दूध। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, आधा लीटर ये है, आधा लीटर और इसमें ऐड करेंगे। तो दूध आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो दूध की मात्रा को उसमें बढ़ा सकते हैं। इतने दूध से 4-5 लोगों के लिए एक एक कटोरी ये रेसिपी बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने दूध को उबालने रख दिया है। मैंने यहाँ पर एक बड़े आम का ये पल्प निकाल लिया है, ये बड़े साइज का आम था। तो यहाँ पर हम एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें इस पल्प को डाल देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इस पल्प को ग्राइंड करना है। तो यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसको इसी तरह पीसना है। तो ये देखिए सारा पल्प बनकर रेडी हो गया है और यहाँ दूध को बीच बीच में चलाते जाएंगे। ये साइड से आप देख सकते हैं कि कढ़ाई के साइड से जो मलाई हो गई है इसको निकालते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरह दूध को 2-3 बार चला लेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कटोरी चीनी ऐड की है, आप अपने स्वादानुसार चीनी कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे केसर। तो मैंने 10 से 12 केसर को भिगो दिया था पानी में 5 मिनट के लिए। तो इस तरह इसमें इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, इससे कलर भी बहुत प्यारा आता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें केसर डालेंगे तो इससे इसका फ्लेवर और भी बढ़िया हो जाएगा, इस रेसिपी में जान आ जाएगी क्योंकि केसर का स्वाद तो सबको मालूम है। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी इलायची का पाउडर इसमें पीस कर डाल दिया है फ्लेवर के लिए। तो अगर आप चाहें तो इसमें गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इस रेसिपी का स्वाद और भी बढ़िया बन जाएगा। तो ये देखिए अब हमारा जो मैंगो का पल्प है इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है मैंगो का। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें जिससे कि हमारी ये रेसिपी और भी बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। तो 2 से 3 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालने से इस रेसिपी का फ्लेवर और टेक्सचर दोनों ही बढ़िया हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पर इसके फुलके बनाएंगे। तो यहाँ पर इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, इसमें कोई भी लम्स ना रहे, पानी हमको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो धीरे धीरे ये देखिए आप कि बेसन और मैंगो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, कोई भी लम्स नहीं है। तो हमें यहाँ पर अच्छे से इसको फैट लेना है। अब हम यहाँ पर क्रिस्पीपन देने के लिए इसमें 2 चम्मच बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। सूजी यहाँ पर अगर आपके पास बारीक नहीं है तो उसको ग्राइंडर जार में डालकर पीस लीजिए। 2 चम्मच ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि इस सूजी डालने से इसके जो हम फुलके बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड किया है। वैसे तो आम मीठा होता है लेकिन हमने यहाँ पर बेसन और सूजी ऐड की है तो उसका फ्लेवर थोड़ा बदल गया है। तो यहाँ पर मीठे के लिए हमने 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड किया है। शुगर पाउडर डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। अब मैंने फ्लेवर के लिए यहाँ पर 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाला है, हरी इलायची का पाउडर यहाँ पर मैंने पीस कर ऐड किया है। अब थोड़ा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर दूध की ये लिए फ्रेश मलाई। इस मलाई को डालने से इस चीज़ का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर मलाई ज़रूर डालिएगा। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो ये रेसिपी बनकर इतनी लाजवाब लगती है। वैसे तो मैंगो की गर्मियों में आपने कई रेसिपी देखी होंगी और हर घर में मैंगो आता है। तो आप इस बार एक मेरे कहने पर ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मैंगो तो आपके घर में सभी लोग पसंद करते हैं लेकिन ये रेसिपी अगर आप एक बार बनाएंगे तो सभी लोग बहुत ही पसंद करेंगे। तो दूध भी दे देखिए यहाँ पर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और हम इसको लगातार इसी तरह चलाते जाएंगे। तो यहाँ पर अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं और दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा दूध मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, ये देखिए काफ़ी गाढ़ा है, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने घी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, घी अच्छे टेम्परेचर पर यहाँ पर गर्म हो गया है। तो हमने जो मैंगो का पल्प तैयार करके रखा था, सारी चीज़ें मिक्स करके रखी थी, इस तरह छोटे छोटे फुलके उसमें बनाकर हम डालते जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चम्मच से भी डाल सकते हैं। तो इसी तरह छोटे बड़े आप जैसा चाहें इनको बना सकते हैं, एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। हमारा ये
मैंगो का पल्प बहुत अच्छे से फिटा हुआ था, आप देख सकते हैं ये तुरंत ही ऊपर आ गए हैं, तो मतलब हमारा मैंगो का पल्प जो है बहुत ही बढ़िया फिटा हुआ था। तो आप थोड़ी देर में देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से सिक हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम इनको धीरे धीरे पलटते जाएंगे, तो यहाँ पर चम्मच की हेल्प से हम इनको इस तरह एक एक करके पलटते जाएंगे, हमको उलटते पलटते इनको अच्छे से सेकना है। तो थोड़ी देर में बहुत ही जल्दी सिक कर तैयार हो जाते हैं, देख सकते हैं कितने बढ़िया हमारे फुलके तैयार हुए हैं। तो इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। कलछी को थोड़ी देर कढ़ाई में इसी तरह रखी जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरह सारे फुलके हमने निकाल कर रख लिए हैं, ये देखिए कितने बढ़िया हमारे फुलके तैयार हुए, बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल मुलायम। आप चाहें तो इनको इस तरह भी खा सकते हैं, और इनको ठंडा होने के बाद जो ठंडा दूध हमने किया था इसमें डाल देंगे। तो इस तरह हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और बढ़ाते हैं, थोड़ा टेस्टी और बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मैंगो को छील लिया है, अब छोटे छोटे पीसेस में हम इनको इस तरह कट कर लेंगे और इसके छोटे छोटे क्यूब बना लेंगे इस तरह। तो ये रेसिपी गर्मियों में ठंडी करके इतनी लाजवाब लगती है, बनाकर आप इसको फ्रिज में रख लीजिए, जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो ये रेसिपी आप ठंडी ठंडी परोसिए, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे और आपके घर में मैंगो हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह अब हम इसको कर लेते हैं सब, ये मीठी मीठी ठंडी ठंडी हमारी रेसिपी तैयार है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये मैंगो की रेसिपी आप को कैसी लगी, और मैं आपके लिए और कौन सी ऐसी रेसिपी लेकर आऊं जो आपको ज़्यादा पसंद आती है। और ये देखिए इस तरह हमारी ये ठंडी ठंडी रेसिपी तैयार है, देखकर ही मुंह में पानी आएगा, क्योंकि ये देखने में जितनी लाजवाब है खाने में भी उतनी टेस्टी है। देखिए कितनी बढ़िया हमारी ये रेसिपी लग रही है। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।